Hello everyone. From today's lecture, we will start with some of the examples of the deterministic finite automata or the DFA. So let's take a language and we will design the DFA for the given language. So let's say the language is given as set of all strings over A and B that starts with A. So the meaning of this is that we will have to select some of these strings over the alphabet set A and B. Here sigma is given as A and B. And all those strings should start with A. For example, the smallest string that starts with A will be small a only. And then AA is also the string that starts with A. Then AB is also the string that will start with A. Then AAB will also be the string that starts with A. Then ABB will be the string that starts with A. And so on and so forth. That means this language is the infinite language. Now, we should first form the automata for the smallest string or the automata that accepts the smallest string. So let's say this is the start state. And with the symbol A only, we reach to a state and this should be the final state. Now, for accepting AA, we should have the transition small a at the final state means अगर हम मान लें कि ये हमारा जो स्टेट है वो क्यू जीरो स्टेट है और ये स्टेट क्यू वन है तो स्मॉल ए से हम क्यू जीरो से क्यू वन पहुंचते हैं और इसके बाद एक और स्मॉल ए मिल जाए तो हम क्यू वन पे रहेंगे. तो हमारा जो टास्क है वो ये कह रहा है कि द स्ट्रिंग शुड स्टार्ट विद ए. सो क्यू जीरो से जो क्यू वन ट्रांजिशन है वो ऑलरेडी ये चेक कर चुका है कि स्ट्रिंग हमारी ए से स्टार्ट हो रही है. अब ए से स्टार्ट होने के बाद स्ट्रिंग में ए आए चाहे बी आए We don't mind. इसका मतलब है कि Q1 से A मिलने पे हम Q1 स्टेट में रहेंगे, Q1 से B मिलने पे भी हम Q1 स्टेट में ही रहेंगे. लेकिन अगर मेरी स्ट्रिंग स्टार्ट होती है B सिंबल से तो ये स्ट्रिंग कभी भी एक्सेप्ट नहीं की जा सकती, इसलिए हम एक स्टेट में पहुंचते हैं जो कि है Q2. Q2 हमारी डेड स्टेट है. इसका मीनिंग क्या है कि ये स्टेट कभी भी फाइनल स्टेट पे नहीं पहुंचेगा. So, किसी भी ट्रांजिशन से फाइनल स्टेट में नहीं पहुंचेगा. सो क्यू टू स्टेट में अगर हम पहुंच चुके हैं इसका मतलब है कि हमारी स्ट्रिंग बी से स्टार्ट हुई. इसके बाद कुछ भी आए ए आए या बी आए आप डेड स्टेट में रहेंगे क्योंकि ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं की जा सकती. तो आइए कुछ एग्जाम्पल से इस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करके देखते हैं. सबसे पहले हम ए ए बी स्ट्रिंग ले लेते हैं. तो हमारा जो ट्रांजिशन है वो क्यू जीरो से स्टार्ट होगा. Q0 से A मिलने पे यू आर मूविंग टू स्टेट नंबर Q1. फ्रॉम A अगेन यू आर मूविंग टू स्टेट Q1 इटसेल्फ. एंड देन विद द एलिमेंट B और द सिंबल B यू आर स्टेइंग इन Q1 स्टेट. सो सिंस Q1 इज द फाइनल स्टेट सो दिस स्ट्रिंग AAB हैज गॉट एक्सेप्टेड. सिमिलरली लेट्स टेक अ स्ट्रिंग विच इज टू बी रिजेक्टेड. फॉर एग्जाम्पल इफ अ स्ट्रिंग स्टार्ट विद B दिस स्ट्रिंग विल बी रिजेक्टेड. So we start our transition from state Q0 with a symbol B. I reach to the state Q2 and then with a symbol A, I remain at state Q2 and Q2 is not the final state. So it means the string BA has got rejected. So ye jo automata humne banaya wo finite automata hai, deterministic finite automata hai. Deterministic isliye hai कि ये गिवन स्ट्रिंग को जो कि लैंग्वेज का पार्ट है उसको एक्सेप्ट करता है और ऐसी स्ट्रिंग जो लैंग्वेज का पार्ट नहीं है उसको रिजेक्ट कर देता है. ये इसलिए भी डिटर्मिनिस्टिक फाइनल ऑटोमेटा है क्योंकि किसी भी स्टेट में हम केवल एक सिंबल को एक्सेप्ट करने से एक डेफिनेट स्टेट में मूव करते हैं और कोई भी ऐसा स्टेट नहीं है जिससे कि किसी गिवन सिंबल से या अल्फाबेट सेट से उसका ट्रांजिशन ना हो. सो ये हमें याद रखना है कि जब भी हम डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा बना रहे हैं तो उस समय हर एक स्टेट में हर एक इनपुट सिंबल से ट्रांजिशन हमें दिखाना होगा. फॉर एग्जांपल हम एक टेबल बना के भी इसको वेरीफाई कर सकते हैं कि क्या हमने सारे ट्रांजिशन दिखाए कि नहीं. सो क्यू जीरो स्टेट क्यू वन स्टेट एंड क्यू टू स्टेट.
ए सिंबल एंड बी सिंबल इज द अल्फाबेट सेट सिंबल्स. सो ऑन क्यू जीरो विद स्मॉल ए यू मूव टू क्यू वन स्टेट एंड विद बी यू मूव टू क्यू टू स्टेट. फ्रॉम क्यू वन विद सिंबल ए और बी यू रिमेन एट स्टेट क्यू वन इटसेल्फ एंड ऑन क्यू टू विद सिंबल ए एंड सिंबल बी यू स्टे एट स्टेट क्यू टू. आउट ऑफ दिस स्टेट क्यू जीरो इज द स्टार्ट स्टेट एंड क्यू वन इज द फाइनल स्टेट. नाउ यहाँ पे हमने देखा कि हर एक सिंबल से हर एक स्टेट का ट्रांजिशन जरूर हो रहा है, इसलिए ये डीएफए हमने फॉर्म कर लिया है. सो वी हैव डीएफए दैट एक्सेप्ट द स्ट्रिंग्स ऑफ द लैंग्वेज एंड इट रिजेक्ट्स द स्ट्रिंग विच इज नॉट द पार्ट ऑफ द लैंग्वेज. सो वी विल सी मोर एग्जाम्पल्स इन द सब्सिक्वेंट लेक्चर्स. थैंक्स फॉर वॉचिंग.